हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग सभी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो कल संडे का बढ़िया आप लोगों ने छुट्टी मनाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं डेली शाम को 4 बजे 4 PM पे हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो साउंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था सैटरडे को, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं साउंड एक बड़ा चैप्टर है, तो ये उस दिन आप लोगों का पूरा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं है, इसको आज पूरा कर लेंगे। टेंशन किस बात की लेते हो आप लोग? ओके, चलिए स्टार्ट करें। सभी आप लोग जुड़ जाइए, आ जाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है सर MCQ कहाँ से करें। तो MCQ के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं करना। रोज़ दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आओ, इतना ज्ञान पाओ कि एग्जाम में हर क्वेश्चन सही करके आओ, है ना। तो डेली 1 PM पे क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आ रही है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करें, मतलब वहाँ पर गोल आपसे पूछेगा SSC एग्जाम डाल दीजिए, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को क्लास मिलेगी। इसके लिए आपको मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा, नीरज जांगेड, मुझे फॉलो करना होगा। यहां पर स्पेशल क्लासेज में सारी क्लास आपको दिख जाएगी, रोज दोपहर 1 बजे होती है। अगर आप लोगों से पहले कोड पूछा जाए, अगर आप लोग एक नए स्टूडेंट हो तो कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग लगा दे नीरज 11 लगा के आप लोग कर दे अनलॉक। ओके चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले, यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को वहाँ के सारे कोर्स मिल जाते हैं। जैसे मेरा साइंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है SSC में, तो SSC का सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरे कोर्स तो मिलेंगे, मेरे अलावा जितने भी टीचर्स हैं सभी के कोर्स मिल जाएंगे। पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो 12 महीने का 6500 का है। रेफरल कोड यूज करें नीरज 11 SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो ये 6500 का आपका पड़ जाएगा 5850 आफ्टर यूजिंग द कोड नीरज 11। और ऐसे आप लोग हर कैटेगरी में जिसका भी आपको लेना है नीरज 11 कोड लगा के आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड का पार्ट 2। ध्वनि हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो ध्वनि का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको साउंड के बारे में बताया था, साउंड एक एनर्जी होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है, है ना। और मैंने आपको बताया था जो कंजर्वेशन ऑफ साउंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो यहाँ पर भी आप लोगों का अप्लाई होता है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था साउंड प्रोड्यूस कैसा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, इससे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और साउंड का प्रोपोगेशन भी देखा था, साउंड आगे संचरित कैसे होता है। जैसे ये स्पीकर है, आप लोग यहाँ पर खड़े हो, तो आपके बीच में और स्पीकर के बीच में क्या है, एयर है। तो जो भी एयर के पार्टिकल्स होंगे, जिस जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो जैसे ये उससे टकराएगा तो ये आपका वाइब्रेट करेगा, फिर पास वाला, फिर पास वाला, फिर पास वाला, फिर पास वाला, ऐसे आपका साउंड आपके पास में आता जाएगा। और मैंने आपको बताया था साउंड एक वेव यानी तरंग के रूप में चलता है, हमने बहुत सारी बात करी थी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड क्या होता है, और मैंने आपको यह भी बताया थे किसी भी साउंड का मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो डेसीबल में करते हैं। किस में करते हैं, डेसीबल में करते हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक, बात है टाइप्स ऑफ साउंड। और इसमें आप लोग 2 से 3 स्टार लगा लीजिए, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आप लोग मुझे बताइए कि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी आप लोग मेजर करते हो, या किसी भी वेव की आप लोग फ्रिक्वेंसी आवृत्ति मापते हो, किस में मापते हो, हर्ट्ज में मापते हो। तो साउंड तो आप लोगों का अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाला हो सकता है, हो सकता है कोई साउंड ऐसा है जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज है, कोई साउंड ऐसा है जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति 40 हर्ट्ज ही है। तो हम लोग कौन सा साउंड सुन सकते हैं, हम लोग कौन सा साउंड नहीं सुन सकते, इसके बेसिस पे जो साउंड होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। इधर देखो, इधर आ गया, देखो ध्यान से समझो, हम लोग जो साउंड सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक का जो साउंड होता है वो हम लोग सुन सकते हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक वाली, इस वाली रेंज में जो भी साउंड आता है वो आपका कहलाता है ऑडिटरी फील्ड, या फिर आप लोग बोल सकते हो ऑडिबल साउंड। ये आप लोगों का कहलाता है ऑडिबल साउंड, क्योंकि ये ध्वनि आप लोग सुन सकते हो, है ना, ये श्रव्य ध्वनि होती है,
ये आप लोग सुन सकते हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन सा साउंड सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये 20 किलो हर्ट्ज है, किलो का मतलब होता है 1000, तो यानी 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं। ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी वाला जो साउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा साउंड, या फिर आप लोग बोल सकते हो इंफ्रासोनिक साउंड, या इसको हिंदी में बोला जाता है अपश्रव्य ध्वनि। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए अपश्रव्य ध्वनि क्या होता है, ऐसा ध्वनि, ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये साउंड आपका कहलाता है इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं अपश्रव्य साउंड। अगर जो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली जो ध्वनि होती है वो कहलाती है दोस्तों अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो ना ही हम लोग ये वाला साउंड सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और ना ही हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, हम लोग केवल ये सुन सकते हैं, हम जो कम्युनिकेट कर सकते हैं वो इसी वाला, ये रेंज वाला साउंड से ही हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये वाला साउंड, इतनी कम फ्रिक्वेंसी वाला साउंड कौन सुन सकता है, तो जो वेल होती है ना, वेल हो गया, एलिफेंट यानी हाथी हो गया, हिप्पोकैम्पस आप लोग जानते हैं एक प्रकार के दोस्तों मछली होती है ये, है ना, राइनोस, गैंडा हो गया, पिकॉक हो गया, मोर हो गए, ये सभी ये साउंड आपके सुन सकते हैं। और बात करें अल्ट्रासोनिक साउंड, डॉग्स आप लोग जानते हैं, है ना, कुत्ता, डॉल्फिन हो गया, बैट्स हो गया, चमगादड़ हो गया, और जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े, कीट पतंग जो होते हैं, इंसेक्ट्स, वो भी ये ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, चले आगे। सर पीडीएफ इसकी, ये एक व्यक्ति बोल रहे हैं सर इसकी पीडीएफ दो, चलो पहले पीडीएफ ही दे दूंगा फिर क्लास छोड़ देते हैं, केवल पीडीएफ देते हैं, बताओ इतना क्या जागरण करते हो, पीडीएफ क्या करोगे, पीडीएफ का सिलेक्शन तो तुम्हारा होना नहीं है। सर ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, पीडीएफ से सिलेक्शन होना होता तो मार्केट में इतनी बुक आती है, इतनी हजारों बुक आती है, ये तो फिर भी एक लिमिटेड कंटेंट है, मार्केट में साउंड की पूरी किताब मिल जाएगी, इतनी पीडीएफ अवेलेबल है, तो बताओ फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो काम एग्जाम में पूछा जाता है उस पर तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पीडीएफ करते रहते हो। आ जाओ, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, और 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड होता है इसको इंफ्रासाउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड बोल सकते हो, और हिंदी में इसको अपश्रव्य भी बोला जाता है। आ जाइए, मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा जानवर कौन कौन से ध्वनि का जो साउंड होता है वो सुन सकता है, तो क्या ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था जो कुत्ता होता है वो 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला ध्वनि सुन सकता है, तो देखो 67 से 45,000 तक के सुन सकता है। अब क्या हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं, आप लोगों को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये वाला जो चीज़ याद रखिए जो मैंने आप लोगों को बताई है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं एक चीज की जिसको बोलते हैं मैक नंबर यानी मैक संख्या। ये मैक नंबर क्या होता है, मैक संख्या, जैसे मान लीजिए आप लोग चला रहे हैं कार, है ना, आप लोग चला रहे हैं कार और आपकी जो स्पीड है वो मान लेता हूं मैं 140 मीटर पर सेकंड है, ये आप लोगों की क्या है, स्पीड है। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड आप लोगों को बता दी, एक बार मान लो 140 मीटर पर सेकंड की आप लोगों की स्पीड है। ध्यान रखिए एयर में, अगर बात करें एयर में, वायु में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 344 मीटर पर सेकंड होती है। ये कितने टेम्परेचर पे होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि साथ में ये मेंशन करना क्यों जरूरी था कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में ध्वनि के चाल में परिवर्तन होता है। अभी हम लोग बताएंगे कैसे परिवर्तन होता है, बढ़ेगी या घटेगी, सिर्फ सिंपल इतनी सी बात ध्यान रखो, अगर 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो एयर में, वायु में जो साउंड की स्पीड होती है वो इतनी होती है। तो अगर आप 140 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो जो आपकी स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है या कम है, इस वाले केस में कम है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मान लो ये 640 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इस वाले केस में इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो गई, तो हम लोगों को एक नंबर निकालना पड़ेगा जो कि दर्शाए कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के बीच में क्या अनुपात है। तो ध्वनि की वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का
जो अनुपात होता है, रेशो होता है, ये जो अनुपात आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक नंबर, यानी मैक संख्या। समझ में आ गई बात को? तो मैक संख्या क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी किसी वस्तु की चाल बटे स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। इसको थोड़ा सा और हम लोग एलैबोरेट करते हैं। आ जाओ इधर देखो, आ जाओ। तो इसके बेसिस पे जो मैक नंबर होता है, इसके बेसिस पे बहुत सारे केस आ सकते हैं। हो सकता है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो, हो सकता है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो, हो सकता है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो। आप लोग मुझे बताइए, यदि मैक नंबर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैक नंबर 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो वस्तु की चाल है, ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड बराबर है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की और किसी साउंड की स्पीड बराबर होती है तो उसका मैक नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। और जब भी मैक नंबर 1 आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसोनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मैक नंबर 1 से कम हुआ तो ये कंडीशन का मतलब क्या है? यदि वस्तु की चाल कम हो और ध्वनि की चाल ज़्यादा हो। जैसे ध्वनि की चाल कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो आप लोग 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो या 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मैक नंबर 1 से कम आएगा। तो जब मैक नंबर 1 से कम आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोलते हैं। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो, इस कंडीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से गति कर रहा है ना, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे गति कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। अब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ध्वनि की चाल से भी 5 गुना से भी तेज कर रहा है, तो उसका मैक नंबर क्या आएगा? 5 से भी ज़्यादा आएगा। तो जिसका मैक नंबर 5 से भी ज़्यादा आता है, उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक। अब इसके लिए सुपरसोनिक नहीं बोलेंगे, हाइपर, और 5 गुना से भी ज़्यादा स्पीड पे कर रहा है। समझ में आ गया क्या? चलो आगे। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, सोनिक बूम क्या होता है जल्दी से बताएं। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है सोनिक बीम क्या होता है, जल्दी से बताएं, बताओ। तो सोनिक बूम कुछ भी नहीं होता, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ध्वनि की चाल से ज़्यादा चाल पे गति करेगा तो उसका मैक नंबर क्या आएगा? अगर उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा, मतलब ये वाला नंबर ज़्यादा होगा इस वाले नंबर से, तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा आएगा। और जब भी किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होगी, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, वो आप लोगों का उसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है, तो वो अपने अंदर से एक साउंड निकालता है, एक नॉइज निकालता है, इस साउंड को ही हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। ओके, वो एक साउंड निकालता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने मैक संख्या का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया। चले आगे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जो वायु की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन मैंने साथ में 20 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंशन करा था? क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो हर टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, 20 पे अलग होती है, 18 पे अलग, 17 पे अलग, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो टेम्परेचर का भी पड़ता है, डेंसिटी का भी पड़ता है, ह्यूमिडिटी का भी पड़ता है। तो आइए वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है साउंड की स्पीड पे। अरे थम्स अप करके बताओ समझ में आ रही है चीज़ें। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, विभिन्न कारकों का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके, चलो आ जाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे, किस किस की बात करने वाले हैं? टेम्परेचर, कि तापमान का क्या इफेक्ट होगा। एक तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा तापमान का क्या इफेक्ट होगा, और बताओ। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी यानी घनत्व का क्या क्या इफेक्ट होगा। ओके, आगे बताओ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का क्या इफेक्ट होगा। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, किन के बारे में? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, घनत्व का क्या इफेक्ट होगा, और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये मान लीजिए कोई सोर्स है, आप मान लीजिए घंटी है,
किसी ने बैल को बजाई तो इससे क्या साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? बिल्कुल बात है। अब आप लोग यहां पर खड़े हो, तो आपके मतलब आपके और इस घंटी के बीच में क्या है? एयर है। तो भैया मैंने बता दिया ये एयर के बहुत सारे पार्टिकल हो गए, लो मान लो ये एयर के बहुत सारे पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इससे साउंड उत्पन्न हो रहा है तो ये वाइब्रेट कर रहा होगा, और जो भी एयर के पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, झुन 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 झुन, फिर ये भी पास वाले को टक्कर देगा, झुन झुन झुन, ये भी झुन 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 झुन। तो ऐसे इस प्रकार एनर्जी आगे प्रोपोगेट करेगी, आगे संचरित होगी। कहने का मतलब है साउंड यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बताऊं मेरा क्या है, अगर यहां पर एयर, एयर क्या है, एक तरह की गैस है, यहां पर एयर नहीं होके बीच में पानी होता तो साउंड आपके पास में तेज आता या धीरे आता? ये मेरा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो मैं फिर से बताता हूं। आप लोग मान लीजिए चलो इसके बीच में एयर थी, अभी मैंने बोला एयर की जगह मान लो बीच में मैंने वो रख दिया पानी रख दिया, तो साउंड ज्यादा स्पीड से आएगा या कम में आएगा? या मैंने आप लोगों को बोला इसके और इसके बीच में एयर की जगह मैंने कौन सी गैस भर दी, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी, तो जो साउंड की स्पीड होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग स्कूल में आपने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, हम लोग क्या करते थे, जो बेंच होती थी ना, बेंच होती थी उस पर एक जने का सिर इस कान रख देते कि भाई देख मैं तेरे को गाना सुनाता हूँ, उसका कान रख देते और हम बजाते थे एक एंड से। आप लोगों ने पता है क्या ऐसा कुछ कि जो हमारी स्कूल की बेंच होती थी ना, जैसे मान लीजिए एक बेंच पे तीन व्यक्ति बैठे हैं, तीन स्टूडेंट, तो एक जने को बोलेंगे भाई देख तेरा कान लगा है यहाँ पर, एक बढ़िया सा साउंड सुनाता हूँ, जैसे ढोलक बजाते थे हमने तो बहुत करा ऐसा, तो आप बजाते थे तो उसको क्या साउंड आता था क्या? कहने का मतलब है ध्वनि जो होती है ना वो तो सर सॉलिड में से यानी ठोस में से भी आगे चल सकती है, बस हमारा उद्देश्य क्या जानना है अभी कि ठोस में तेज गति से चलेगा या फिर गैस में तेज गति से चलेगा या लिक्विड में तेज गति से चलेगा। समझ में आ रहा है कि मेरा पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है किस में तेज चलेगा। सिंपल सी बात क्या है, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए, संचरित होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वाइब्रेशन। तो यहां पर आपको पता है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में अच्छी तरीके से बंधे होते हैं ना, अरे आपस में अच्छी तरीके से बंधे होते हैं, तो अगर ये वाइब्रेट करेगा झुन 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 तो ये अपने पास वाले को अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर पाएगा, ये अपने पास वाले को और अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर पाएगा, ये अपने पास वाले को बहुत अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर ये वाइब्रेट होगा ये 100% वाइब्रेट होगा, ये होगा ये वाइब्रेट होगा। जबकि एयर की बात करें, जैसे मान लो एयर है तो ये वाइब्रेट हुआ, मतलब कम चांसेस है ये पास वाले को टक्कर मारे, टक्कर मार भी देगा फिर ये पास वाले को, मतलब इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी सॉलिड में होगी। इसको एक चीज फील करो, इधर आओ देखो, तो ये हो गया आप लोगों का सॉलिड, ये ब्लू वाला हो गया आप लोगों का लिक्विड, ये आपका रेड वाला हो गया गैस। तो यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसको यहां तक आना है, तो देखो कौन जल्दी गिर रहा है, मतलब भाई हम तो ये तो चाहते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर किसमें ज्यादा हो रहा है, ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर किसमें ज्यादा हो रहा है, आप लोग खुद बताइए यहां पर इस वाले केस में। तो देखो सॉलिड में एक प्लेट से दूसरे में, दूसरे तीसरे चौथे, वैसे देखो कितना जल्दी ट्रांसफर होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछे साउंड की स्पीड ज्यादा किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल, अरे ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? पहली बात तो क्या है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है सर सॉलिड में। किसमें होती है? ठोस में होती है। इसके बाद में ध्वनि की चाल होती है किसमें? लिक्विड में यानी द्रव में। और इसके बाद में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है गैस में। अरे समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, दिमाग की तार खोल के बैठा करो। एक तो आप समझ में आया नहीं आया? इस वाले एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि सॉलिड में सॉलिड में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में। चलिए ठीक है, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी, गैस। अभी मेरा उद्देश्य टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, जो लोहे में साउंड की स्पीड है ना ध्वनि की चाल, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, मैं मान लेता हूं 2000 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए 2000 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए। तो अगर इस लोहे को मैं गर्म करूंगा,
अगर इस आयरन को मैं और गर्म करूंगा तो जो ध्वनि की चाल 2000 ही रहेगी या 2000 से ज्यादा होगी या 2000 से कम होगी, मुझे वो चीज देखनी है। ठीक है, तो पहली आप लोग हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का प्रभाव। किस पे? ध्वनि की चाल पे। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखो, यहां पर देखो, ये मान लीजिए कोई आपके पास में सॉलिड रॉड है ना, मान लीजिए लोहे की छड़ थी, आपने यहां से बजाया, साउंड यहां तक चलेगा, ऑब्वियसली बात है साउंड एक एंड से दूसरे एंड पे चलेगा, नो डाउट। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसके जो आप लोगों के एटम होंगे ये वाइब्रेट करेंगे झन 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 झन, फिर पास वाले को करेंगे झन झन झन, फिर पास वाले को झन झन, फिर पास वाले को, ऐसे करके साउंड आगे प्रोपोगेट होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग इसको हीट करोगे तो इनके पास में एनर्जी होगी, ज्यादा झुनझुन करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, झुन 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 झुन, मतलब ये जो साउंड को प्रोपोगेट करने की जो स्पीड होगी ना वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छे से वाइब्रेशन करेंगे झुन झुन झुन, फिर पास वाला झुन 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 झुन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी भी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। जैसे मुझे एक चीज बताइए, ये है कोई बेल, स्कूल की बेल है, घंटी जानते हो ना, घंटी, ये स्कूल की मान लीजिए घंटी है। अभी मौसम किसका है? सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो अभी मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस मान लो, और इधर खड़े हो आप, तो यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनकी इतनी ज़्यादा गति नहीं होगी, बिल्कुल धीरे धीरे गति कर रहे हैं, सुस्त सुस्त से गति कर रहा है। लेकिन अगर गर्मियों के दिनों की बात करें, गर्मियों के दिनों की मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ये आप लोगों की क्या है, घंटी है, इसमें जो भी एयर आपने जैसे इसको बजाई, ये वाइब्रेट करा होगा, कंपन करा होगा, ये भी वाइब्रेट हुआ होगा, ये इसके पास तो स्पीड वैसे ज़्यादा, एक पास वाले से जाके जल्दी तेज टकराएगा, फिर इससे 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 साउंड ज़्यादा तेज प्रोपोगेट करेगा। तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी, किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का तापमान आप लोग बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये माध्यम कोई भी हो, चाहे एयर हो चाहे सॉलिड हो, तो उस माध्यम में जो साउंड की स्पीड होगी यानी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। बताओ, ओके? चले दोस्तों, सर आपको मैंने पकड़ लिया, सर आज मैं लाइव क्लास में आ ही गया, फर्स्ट क्लास से चलते चलते आज तक का सफर मस्त था, खुश हूं। मेरे को, मैं डर गया, कहां पकड़ लिया आज मेरे को लगा कहां पकड़ लिया, मुझे पता भी नहीं पड़ा मेरा किडनैप हो गया था आज। चलो आ जाओ, तो टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरी बात बताओ, दूसरी बात यह है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, घनत्व का प्रभाव। अब यहां पर बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होगा और उस कंफ्यूजन का एक चिन्ना सा आंसर होगा, बिल्कुल चिन्ना सा। आ जाओ, डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग देखते हैं। डेंसिटी बोले तो घनत्व का क्या प्रभाव होगा, ठीक है? तो मैंने दो सॉलिड लिए, ये लिया मैंने सॉलिड नंबर वन और ये लिया मैंने कोई सॉलिड नंबर टू। जैसे मान लेते हैं एक आयरन की ले लेते हैं, मैं देखता हूँ आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, नेट पे सर्च करके बताओ जल्दी से आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, एग्जैक्ट डाटा बताओ, आयरन डेंसिटी लिख देता हूँ, वेट करो, आयरन डेंसिटी ये लिख देता हूँ, आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, आयरन की होती है दोस्तों 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? एक मान लेता हूं मैं एल्यूमिनियम की ले लेता हूं ना, एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की लिख लेता हूं मैं, कितनी है 2710 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो ये आपने ले लिया, मान लीजिए एक आयरन की रॉड ले ली, एक आयरन की रॉड ले ली और एक आप लोगों ने किसकी, एल्यूमिनियम की रॉड ले ली, समझ गए बात को? चलो ठीक है, आप लोग मुझे इतनी सी बात बताइए कि यहां से किसी ने करा टन, तो साउंड की स्पीड किस में ज्यादा होगी, इसमें एक एंड से दूसरे एंड पे ध्वनि तेज चलेगी या इस वाले केस में जब टन करोगे तो एक एंड से दूसरे एंड में साउंड जल्दी पहुंचेगा, साउंड की स्पीड ज्यादा किस में होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, बताओ? आप लोग बोलेंगे सर दोनों सॉलिड है, अगर कोई गैस होता तो मैं बता पाता कि गैस से ज्यादा सॉलिड में होते, लेकिन सर चक्कर रह गया, दोनों सॉलिड अब चक्कर गया। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें साउंड की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? तो भैया आयरन किससे मिलके बना है, या आयरन की रॉड, आयरन के एटम से मिलके बनी होगी,
अरे बताओ, आयरन के एटम से मिलके बनी होगी बहुत सारे, जबकि एल्यूमिनियम की रॉड एल्यूमिनियम के एटम से मिलके बनी होगी। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो आप मुझे बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। तो ये जो आप लोगों का एटम होगा, एटम किसका भारी होगा? डेंसिटी का मतलब है भारीपन। भारी कौन होगा? ये भारी होगा, ये आप लोगों का भारी होगा। जबकि इसके जो एटम होंगे, इसके जो परमाणु होंगे, वो क्या होंगे? हल्के होंगे। अब दोस्तों डांस कौन इजीली कर पाएगा? मोटा आदमी या पतला आदमी? मेरा जैसा तो कहीं पर भी गुज जाए, पलंग के नीचे कैसे भी डांस कर ले, लेकिन मोटा आदमी नहीं कर पाएगा ना। तो इसको झुनझुन करने में दिक्कत आएगी ना, ये तेज वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ऐसे आराम से करेगा। ये भारीपन होने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन होगा उतना नहीं होगा, जबकि ये हल्का, ये तो झुनझुन 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 झुनझुन। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी माध्यम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी भी मीडियम की डेंसिटी यानी दोस्तों घनत्व अगर ज़्यादा होता है, तो उस माध्यम में साउंड की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? कम होती है। बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? बताओ। अरे समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ गई क्या? लेकिन मन में डाउट आना चाहिए आपको। आपने बोला था सर लिक्विड से ज्यादा जो स्पीड होती है साउंड में होती है। सर मुझे एक चीज बताओ, साउंड की तो ये सॉलिड की, ठोस की तो डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो फिर लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड में ठोस में साउंड की स्पीड ज्यादा क्यों है? सर यहां तो समझ में आ गया कि डेंसिटी ज्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, लेकिन फिर सॉलिड की ज्यादा क्यों है लिक्विड से, ये बताओ पहले। लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी तो सॉलिड की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पास में आपको किसी ने दिया 100 रुपया, आप लोग तो खुश हो गए, डीजे बजा के नाच लिए, लेकिन आपके जेब में से कोई 500 रुपये चोरी करके ले गया, तो बताओ अल्टीमेटली आपको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? अल्टीमेटली आपको नुकसान हुआ। तो आप लोग केवल इस 100 रुपये को मत देखो, ये भी तो देखो 500 रुपये चला गया। सर कहना क्या चाह रहे हो? अरे मेरे दोस्तों सॉलिड जो होते हैं ना ठोस, उसमें देखा करो जो एटम्स होते हैं ना आपस में अच्छी तरीके से बंधे होते हैं, अच्छी तरीके से। माना सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सर ये अच्छे तरीके से बंधे होते हैं। अगर एक वाइब्रेट करेगा तो बहुत अच्छे से पास वाला वाइब्रेट हो जाएगा, फिर बहुत अच्छे से इसके पास वाला वाइब्रेट हो जाएगा, यानी साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड में। हाँ, अगर सॉलिड में कोई दो सॉलिड लोगे तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी, ऐसा सॉलिड जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। समझ गए क्या बात को? क्लियर है क्या? ओके, चले आगे। सर प्लीज बुरा मत मानना, जहां ट्रैक्टर की ट्रॉली बनती है वहां पर खड़े होकर देखिए, तब क्यों आयरन की साउंड ज्यादा आती, क्यों आती है सर? प्लीज़ बताइए, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर कहीं पर पटाखा फूट रहा है तो मैं उधर जाके खड़ा होता हूँ तो मुझे पटाखे की आवाज़ ज़्यादा क्यों आती है? क्या क्वेश्चन है ये? मतलब मेरे को समझ नहीं आया, पूछना क्या चाह रहे हो तुम? समझ में आ गया क्या? ये तो यही क्वेश्चन हो गया कि सर मैंने NTPC का फॉर्म भरा था, CHSL में 50 नंबर से रह गया, संस्कृत का पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो आप लोगों ने डेंसिटी का प्रभाव देख लिया कि किसी माध्यम की डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है, तो उस माध्यम में साउंड की स्पीड कम होती है। एक लास्ट और देख लो, ह्यूमिडिटी। दोस्तों एक लास्ट और देख लो, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है? क्या बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है। तो मान लीजिए कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उमस ज्यादा है। उमस ज्यादा होने का मतलब क्या है? वहां की एयर में, वहां की वायु में जलवाष्प का अमाउंट ज्यादा है, वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है। और कहीं पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कम है, इसका मतलब क्या है? वहां की वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, जलवाष्प की मात्रा क्या है? कम है। यही मतलब है ना? चले आगे। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, जल वाष्प का अमाउंट ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा साउंड की स्पीड में? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रहा आपका घंटा, ठीक है, बेल है ना, स्कूल की बेल मान लीजिए, और ये कोई आप लोगों का, आप खड़े हो मान लीजिए, तो बीच में क्या है? एयर है ना।
तो यहां पर क्या है, जलवाष्प ज्यादा, मान लो बीच में जलवाष्प भी है, मान लो जलवाष्प भी है ना, जलवाष्प भी है, जबकि यहां की अगर बात करें है ना इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, तो ये रही घंटी मान लीजिए स्कूल की, आप लोग यहां पर खड़े हो, बीच में क्या है, बीच में क्या है, जो जलवाष्प का अमाउंट है वो बहुत कम है, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात क्या है, मुझे एक चीज बताओ, एक इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। पहले मुझे बताओ एयर में सबसे ज्यादा क्या होती है, एयर में, अरे वायु में सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, लगभग लगभग कितना होता है आप लोग का, 79% होता है। अरे क्लियर है क्या, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 32 ग्राम। चलो समझ गए, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, एक चीज बताओ, मैंने बोला कि एक कमरा है, एक कमरा है, इसके अंदर 10 व्यक्ति आ सकते हैं केवल और केवल। कितने व्यक्ति आ सकते हैं, 10 व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति इसके अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप लोग मोटो मोटो को रखोगे तब भी आप लोग 10 को रख सकते हो, ये कंडीशन रखिए कि भैया इसमें 10 व्यक्ति रह सकते हैं। तो अगर आपने सारे मोटो मोटो को रख दिया तो ये कमरा थोड़ा सा भारी हो जाएगा क्या, मान लो इस कमरे का वजन देखना है तो भारी हो जाएगा क्या। और अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसे पतले पतलों को रख दिया, ठीक है, पतलों पतलों को रख दिया, तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एयर होनी कितनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इसमें H2O यानी जल वाष्प का अमाउंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो H2O का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, H2O का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, मतलब इनको निकालोगे, इनको थोड़ा सा निकालोगे, इसकी जगह जल वाष्प आएगा। जल वाष्प का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या, ये चीज थोड़ी सी कम हो रही है, ये चीज बढ़ रही है। तो भारी चीजों को तो आप लोग हटा रहे हो, हल्की चीजों को डाल रहे हो। इसका मतलब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है यानी जल वाष्प बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, जो डेंसिटी होती है ना कम होती है। डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है दोस्तों, कम होता है। और डेंसिटी यानी घनत्व कम होने का मतलब क्या है, साउंड की स्पीड ज़्यादा होना। समझ गए क्या बात को। इस वाले केस में देखो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम होने का मतलब क्या है, आर्द्रता कम होने का मतलब क्या है, जल वाष्प का अमाउंट कम होना, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा, भारी भारी गैसें ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। और जब भी डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, साउंड की स्पीड क्या होती है दोस्तों, कम होती है। अरे समझे या नहीं समझे बताओ, क्लियर है क्या, ठीक है, ओके चले आगे, चलो आ जाओ। तो आप लोगों को मैंने किस किस के इफेक्ट बताए, तो यहां पर मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जल्दी से बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे साउंड की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, पहला पॉइंट। तो क्या मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं ना, टेम्परेचर कम होने पे स्पीड कम होती है, तो ऑब्वियसली बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, तो साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वायु की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है तो स्पीड आप लोगों की बढ़ेगी। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखो। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, लिख देना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। चले आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, चला जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने सुना होगा प्रकाश, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रकाश, आई एम रियली सॉरी, ध्वनि का आएगा, ध्वनि का। तो आपने दोस्तों प्रकाश का परावर्तन सुना होगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ध्वनि का परावर्तन। देखो परावर्तन कुछ भी नहीं है, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, दर्पण है, इससे कोई प्रकाश की किरण आई और अगर टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। तो बस यहां पर प्रकाश की जगह क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, दिखाओ सर इधर आओ। तो ये मान लीजिए कोई वॉल है, ये कोई साउंड की वेव आई, ध्वनि की तरंग आई, टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गई, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या प्रकाश का, ये ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे क्या, बताओ। तो देखो ध्वनि की तरंग आई,
ध्वनि की तरंग आई, टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई, इसको क्या परावर्तन बोलेंगे क्या बताओ? क्लियर है क्या? इसको क्या परावर्तन बोलेंगे क्या? तो ये हम लोग पढ़ने क्यों चाह रहे हैं परावर्तन? तो आप लोगों को पता है जब आप लोग कहीं पर जाके चिल्लाते हो पहाड़ों पे जाके चंपा, तो आपको वापस आवाज आती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? या फिर आप लोग जब खाली कमरे में बात करते हो, बिल्कुल खाली कमरा होता है तो वहाँ पर बात करते हो तो गूंज सुनाई देती है ना, जबकि भरे भरे कमरे में नहीं सुनाई देती। क्यों? कारण क्या होता है? जैसे मान लीजिए भरे कमरे में थोड़े से कपड़े भी रखे हैं, उस रूम में कर्टेंस पर्दे भी लगे हुए हैं, तो जो भी आप लोग बोलते हो वो पर्दे के द्वारा वो तरंगे अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल खाली कमरा होगा, है ना, बिल्कुल खाली कमरा होगा, उसमें क्या होगा? खाली कमरे में जैसे मान लीजिए सामने दीवार है, आप लोग बोल रहे हो तो साउंड निकला, साउंड निकला, साउंड निकला, साउंड निकला और टकरा के वापस आपके पास में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन, और इसी को हम लोग बोलते हैं गूंज। भैया जो साउंड आपने निकाली वही साउंड आप लोग सुन पा रहे, तो इसको हम लोग गूंज बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ? इसी को तो हम लोग गूंज बोलेंगे। क्लियर है क्या? इसी को तो हम लोग गूंज बोलेंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके एप्लीकेशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन, मतलब इस चीज का यूज करके हमने क्या क्या डिवाइस बना ली, ये तो देखे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोनार की। ये सोनार क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें होता क्या है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो सिंपल सी बात क्या है, इसका यूज क्या है, जो समुद्र की गहराई होती है इसको मापने के लिए, और इस शिप के नीचे कोई बड़ी सी मछली नहीं आ जाए या कोई बहुत बड़ा अगर ऑब्जेक्ट हो उसका पता लगाने के लिए। कैसे पता लगाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर देखो जल्दी से, यहां पर देखो ये कोई मान लीजिए शिप है, कोई जहाज है, यहां पर आप लोगों का लगा रहता है दोस्तों सोनार। क्या होता है यहां पर? सोनार होता है, सोनार। इस सोनार से निकलती है ध्वनि की तरंगे। क्या निकलती है? ध्वनि की तरंगे निकलती है, ध्वनि की तरंग निकलती है। अब मान लो यहां पर बहुत बड़ा कोई पत्थर आ जाए तो क्या ध्वनि तरंगे टकरा के क्या वापस लौट जाएगी? क्या वापस लौट जाएगी? क्या मुझे बताओ, लौट जाएगी ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मान लीजिए यहां पर क्या है, पानी है, तो पानी में जो चाल होती है ना, पानी में जो चाल होती है ध्वनि की, ये मान के चलो अभी फॉर एग्जांपल 1000 मीटर पर सेकंड है, ये मान के चलो एक बार, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं 1000 मीटर पर सेकंड है। तो भैया क्या हुआ, ध्वनि तरंगे निकली और टकरा के वापस पहुंच गई, कितनी देर में? मान लेते हैं 4 सेकंड में पहुंच गई, 4 सेकंड में चली गई। इसका मतलब क्या है? देखो चाल क्या होता है आप लोगों का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, समझ रहे हो क्या बात को? तो चाल कितनी थी 1000 थी, समय कितना लिया इसने, 4 सेकंड, तो 1000 इंटू 4 करोगे तो 4000 मीटर दूरी आ जाएगी। तो टोटल कितना चल लिया, 4000 मीटर इधर आने में और वापस जाने में टोटल कितना चला, 4000 मीटर, यानी एक तरफ की दूरी कितनी थी, एक तरफ की 2000 थी, समझ गए क्या? तो पता पड़ जाता है सोनार से कि इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट आ गया वो कितनी गहराई पर है। अरे ओके क्या क्लियर है क्या, समझ में आ गया बात को? तो सोनार आप इससे यही निकलती है, साउंड से निकलता है। कौन सी साउंड निकलता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। टकरा के जब वापस आता है तो पता पड़ जाता है कि गहराई कितनी है, नीचे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है ना। और कहां कहां पर यूज होता है, सिंपल से याद रखोगे, जो आपका स्टेटोस्कोप होता है ना, अरे स्टेटोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर आप लोग के दिल की धड़कन सुनता है ना, ये ऐसे ऐसे लगा लगा के, समझ रहे हो ना, ये तो कहां पर लगा लेता है, खुद के कान में लगा लेता है, और ये आप लोगों के हार्ट पे लगाता है ना। तो आपके हार्ट क्या होता है, जब आपके हार्ट के वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं तो आवाज आती है, तो वो आवाज सुनता है डॉक्टर कि आप लोग के वॉल्व वगैरह तो सब नॉर्मल है ना। तो जो स्टेटोस्कोप होता है ना, ये भी किस पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। इसके अलावा ये जो कान की जो मशीन आप लोग लगवाते हो, ये भी किस पे वर्क करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बताया जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों का यूज होता है। अब बताओ, पिंकी जी बोल रहे हैं सर आप तो नागिन बनते होंगे डांस में। पिंकी जी हंसे क्या बताओ, 15 मिनट से आप एक ही कमेंट कर रहे हो, जब आपको पता है हंसी नहीं आ रही फिर भी आप एक ही कमेंट करते जा रहे हो और अपनी पढ़ाई का लॉस कर रहे हो। तो भैया हंसी मजाक करो, लेकिन एक बार जब पढ़ाई में इतनी देर से नोट कर रहा हूँ मैं, वैसे चलो जोक अच्छा मारा था, हा हा हा। अब इधर देखो, तो जब मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए ना, आपको देख रहा हूँ 20 मिनट से आप एक ही कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है, आपने कितना लॉस करा लिया आपको पता है। सोनार
सोनार से कैसा साउंड निकलता है दोस्तों, जो सोनार होता है ना, सोनार इससे साउंड जो निकलता है ना सोनार से, ये देखो यहाँ से कौन सा साउंड निकलता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। समझ गए क्या बात को, चले आगे, चले आगे, अब आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, डॉपलर इफेक्ट की, यानी डॉपलर प्रभाव की। आइए हम लोग समझते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है ना, डॉपलर प्रभाव हम लोग समझते हैं। आ जाओ देखो, आ जाओ इसको हम लोग समझते हैं। देखो भैया, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर प्रभाव समझने के लिए पहले आप लोगों को एक चीज सुननी पड़ेगी। आप लोगों ने साउंड की स्पीड सुन लिया, आपने साउंड की वेवलेंथ सुन लिया, आपने एम्पलीट्यूड सुन लिया, कई चीजें सुनी साउंड के बारे में। एक चीज और सुन लो, ये कहलाता है आपका साउंड का पिच, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तार तत्व। आप लोग बोलेंगे तार तत्व क्या है, मैं बोलूंगा ये ध्वनि की ऐसी प्रॉपर्टी है, ध्वनि का ऐसा गुणधर्म है जो बताएगा आपकी आवाज पतली है या मोटी है। सर समझ में नहीं आया, अगर किसी के ध्वनि की पिच ज्यादा होती है, साउंड की पिच ज्यादा होती है, तो वो आवाज होती है दोस्तों पतली। कैसी होती है, पतली। और किसी के साउंड की पिच अगर कम होती है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी फ्लैट होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो गर्ल्स होती है उनके साउंड की पिच ज़्यादा होती है, या जो बॉयज़ होते हैं उनके साउंड की पिच ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जो गर्ल्स होती है उनकी आवाज़ थोड़ी सी शार्प होती है, थोड़ी सी पतली होती है। तो आवाज़ पतली होती है, इसका मतलब उनके साउंड का जो पिच होता है तार तत्व ज़्यादा होता है। और जिनकी आवाज़ मोटी होती है, हमारी कंपेयर गर्ल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमारे साउंड की पिच क्या होती है, कम होती है। एक बार क्वेश्चन आया आप लोगों से, शायद CHSL का क्वेश्चन है, चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसके साउंड की पिच, यानी ध्वनि का तार तत्व ज़्यादा है। एक तो दिया होता आपकी मक्खी की बिन बिनाहट, एक शेर की दहाड़ है ना, तो आपको तीन चार दिए होते हैं। तो आपकी सबसे शार्प सबसे नुकीली कौन सी होगी, जो मक्खी की बिन बिनाहट होती है। तो जो आवाज़ जितना ज़्यादा पतली होगी उसके साउंड की पिच क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। समझ गए क्या। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो ध्वनि का पिच होता है, साउंड की पिच होती है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, समझ गए, वो आवाज़ की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है। पिच ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आवाज़ पतली। और किसी के साउंड की जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति अगर कम होती है, तो उस साउंड की जो पिच होती है वो भी कम होती है, और आवाज आपको कैसी लगेगी, सर मोटी लगेगी। क्लियर है क्या, सर समझाओ इसको, इसका डॉपलर इफेक्ट से क्या लेना देना है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, एक क्लियर है क्या, एक सिंपल सी बात समझाओ कॉमन सेंस लगा के। जैसे मान लीजिए ये कोई पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी में सायरन लगा हुआ है, सायरन नू। बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि यहाँ पर कुछ कोई ना कोई स्पीकर लग रहा होगा, मान लेते हैं इस स्पीकर से मान लो दोस्तों क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। इस साउंड की फ्रिक्वेंसी मान लेता हूँ मैं 100 हर्ट्ज, मान लो इस साउंड की फ्रिक्वेंसी मान लेता हूँ 100 हर्ट्ज, बस सिंपल सी बात यह है, ठीक है। साउंड निकल रहा टण, जब ये आपसे दूर जाएगा तो क्या आपको साउंड एग्जैक्टली वैसा ही सुनाई देगा क्या, जब आप लोग यहाँ पर खड़े थे और जब ये आप लोग की पुलिस की गाड़ी यहाँ पर थी, नहीं ना। जब ये आपसे दूर जाएगी तो जो फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई देगी वो कम या ज़्यादा को सुनाई देगी, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो ये हो गया आप लोगों का सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और आप हो गए श्रोता, ठीक है, आप हो गए श्रोता यानी ऑब्जर्वर। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ मोशन होता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था आप लोगों को उस फ्रिक्वेंसी का साउंड नहीं सुनाई देके उससे कम उससे ज़्यादा सुनाई देता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। तो आप लोगों को इसको कैसे समझना, काफ़ी बड़ा बड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, इसको बहुत आसान मैं बना लेता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, और एक लड़का है जिसका नाम है मोलू, ठीक है। दो लड़के हैं यहाँ पर, एक का नाम है गोलू और एक का नाम है मोलू। अरे एक का नाम गोलू है, एक का नाम मोलू है। मुझे एक चीज बताओगे कि आप लोग, कि अगर
ये पुलिस की जीप आप लोगों से दूर जाएगी तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? या दोस्तों जब आप लोग खड़े हो तो आपके पास में कोई पुलिस की वैन आएगी तो उसमें जो सायरन लग रहा था उसके साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? ये एग्जाम अगर क्वेश्चन में आ गया ना 99.99% बच्चे उसको गलत करेंगे। ध्यान रखेंगे साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं होता, जो स्पीड होता ना स्पीड चाल वो सेम रहती है। आप लोग बोलेंगे कैसे सेम रहेगी? आप लोग मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए ये आपका सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये आपसे दूर जा रहा है तो इसके और आपके बीच में क्या है, एयर है, अभी यहां पर है, अभी एयर है। पुलिस की जीप वहां से जब आपके पास में आएगी तब भी आपके उसके बीच में एयर है। क्या आप लोग मीडियम चेंज कर रहे हो क्या, माध्यम में परिवर्तन कर रहे हो क्या, गैस की जगह लिक्विड लेकर आ रहे हो क्या, लिक्विड की जगह सॉलिड, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या जब आप लोग की पुलिस की गाड़ी आपसे आपके पास में आ रही है तो क्या आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो क्या? अभी वायु को तापमान 20 था, आपने ऊपर भगवान को बोला भगवान पुलिस की जीप आ रही जल्दी से तापमान बढ़ा दो, तापमान में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या यहां पर एकदम से उमस हो गई क्या? नहीं। तो ना आप लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे, ना आप लोग ह्यूमिडिटी चेंज कर रहे, ना ही बीच का माध्यम में चेंज हो रहा, तो स्पीड में कैसे चेंज हो सकता है? तो ध्यान रखेंगे भैया स्पीड जो होती है चाल वो सेम होती है। और आप लोग ये भी जानते हो जो स्पीड होती है यानी चाल होती है ये क्या होता है, आप लोगों का फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये जानते हैं क्या आप लोग, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य ये तो जानते होंगे आप लोग। अरे इतनी सी बात तो जानते होंगे, बता दो आप, ठीक है इतनी सी बात तो जानते होंगे। तो बस एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई आप लोगों का सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब सोर्स आपसे दूर जाता है तो देखो जो तरंगे निकल रही है, जो तरंगे निकल रही है इनके बीच का गैप क्या है, ज्यादा है कम है? जब आपसे दूर जाता जा रहा है तो ये जो तरंगे निकल रही है इनके बीच का गैप क्या है, कम है ज्यादा है? ज्यादा है ना, तो इसके बीच के गैप को तो वेवलेंथ बोलते हैं। तो जब आप लोगों का सोर्स आपसे दूर जाता है तो जब वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, अरे तरंग दैर्ध्य क्या होती है सर, बढ़ती है, ठीक है। अब आप लोग एक कॉमन सेंस लगा के मुझे एक चीज बताओ कि ये तो चीज कॉन्स्टेंट है, अगर ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा, तब भी तो ये नंबर कॉन्स्टेंट आएगा क्योंकि ये वाली तो फिक्स रहनी है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो जब भी कोई सोर्स आपसे दूर जाएगा वेवलेंथ बढ़ेगी लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होगी आवृत्ति वो क्या होगी दोस्तों, कम होगी। थोड़ा सा उल्टा देखते हैं हम लोग, ये लड़का है मोलू, मोलू के पास में जब आप लोगों का ये सोर्स आ रहा है तो देखो ध्वनि तरंगों के बीच में गैप क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा ना। तो जब भी आप लोगों के पास में कोई सोर्स आएगा तो जो वेवलेंथ होगी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो भैया ये वाली चीज तो फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर ये वेवलेंथ कम होगी, ठीक है मैं साइड में जाता हूं, देखो अगर ये वेवलेंथ कम होगी तो इसको भैया बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाला नंबर कांस्टेंट लाना है आपको। तो आप लोग क्या बोलेंगे, छोटी सी बात कि जब भी कोई सोर्स आपके पास में आता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी जो होती है ना आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना आवृत्ति, आवृत्ति वो बढ़ जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या, या मैं उसको और एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, फील करवा के जाऊँगा, टेंशन मत लो, इसको और समझाऊँ या समझ में आ गया, एक बढ़िया से एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत करो। यहाँ पर अभी 200-400 बच्चे गायब हो जाएंगे मुझे पता है, होने दो, उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है यार, आप मेहनत करो, आप अपने पे ध्यान दो ना, थोड़ा सा भी हार्ड लगता है चलता हूँ, नेट बंद करा भाई यार परेशान हो गया क्लास से, आ जा कहीं घूमने चलते हैं, तो उनका सिलेक्शन वैसे नहीं लेना, आपका सिलेक्शन करवाना, इसलिए आप लोगों को मुझे फील करवाना जरूरी है। हर कोई डरता है डॉपलर इफेक्ट से, है ना, पता नहीं कितना हार्ड टॉपिक है, हम लोग इसको बहुत इजीली समझाएंगे। सर वापस समझाओ, समझ में नहीं आया, आइए वापस समझते हैं। जब भी कोई सोर्स यानी जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जब आपसे दूर जाता है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है जो भी ध्वनि आपके पास में आ रहा था, और उसकी आवृत्ति कम होती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। एक चीज ये ध्यान रखना है, जब आपके पास में कोई सोर्स आ रहा है तो क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। सर इसको फील करवाओ, फील करवाओ, समझ में नहीं आ रहा, चलो देखो आ जाओ फील करवाता हूँ, फील करवाऊँ क्या, आ जाओ।
पहले तो मैं आपको वो चीज फील करवाता हूं जब आप लोगों का सोर्स आपसे दूर जा रहा है। देखो जब दूर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, इधर आओ तो देखो, जब यहां से दूर जा रहा है देखो यहां पर गैप बढ़ता जा रहा है ना। नहीं आया, नहीं आया, अभी देखो वापस, देखो कोई बात नहीं है, वापस देखो इधर आओ। जब आपके पास में आ रहा है तो देखो वेवलेंथ कितनी कम है, देखो गैप कितना है, तरंग दैर्ध्य कम है ना जब आपसे कम आ रहा है, और जब आपसे दूर जा रहा है तो देखो, देखो आपके पास में आ रहा है देखो गैप कितना कम है, देखो वेवलेंथ कम होती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही ना, बताओ। और दूसरे तरीके समझो, जब आपसे दूर जा रहा है देखो यहां पर गैप कितना ज्यादा है, यहां पर गैप कितना ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है ना। तो जब आप लोगों से दूर जा रहा है तब वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, और जब आपके पास में जाता है तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। सर इसको एक एग्जांपल से और समझा दो ना, आ जाओ एक एग्जांपल से और समझाता हूं, टेंशन क्यों लेते हो आप, एग्जांपल की तो कोई कमी है ही नहीं। मुझे बताओ जब आवृत्ति कम होगी तो पिच क्या होगा, पिच तार तत्व क्या होगा, कम होगा, और तार तत्व जब कम होता है तो आवाज कैसी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, आवाज होती है मोटी, क्लियर है क्या। और जब आप लोगों की आवृत्ति ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, पिच ज्यादा, पिच ज्यादा होने का मतलब आवाज पतली। तो कहने का मतलब है अगर आप लोग यहां पर खड़े हो, कोई गाड़ी आपके पास में आ रही है, तब आपको आवाज कैसी लगेगी, उसकी मोटी लगेगी, जब आपसे दूर जाएगी तब आप लोगों को उसकी आवाज कैसे लगेगी, पतली लगेगी, समझा दूं क्या। तो देखो कोई बाइक आ रही है आपके पास में, आते समय आवाज कैसे लगेगी, मोटी है ना, आते समय तो मोटी लगेगी, और जब जाएगी जब पतली लगेगी, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना, नहीं समझे बात को, बताओ बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का दुख, कोई दर्द हो तो बताओ, साथ में हम लोग बांटेंगे। देखो आपकी तरफ आएगी जब आवाज मोटी आएगी, जब जाएगी जब पतली हो जाएगी, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये आप लोगों का थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट था, थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का साउंड पूरा कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये डेली 1 PM वाली क्लास को मिस मत करो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, जिंदगी में सिलेक्शन लेना है, कुछ करना है, इस 1 PM वाली क्लास को मिस मत करो, और आपको यहां पर आपकी रैंक भी मिलेगी। चलो कल का तो टॉपिक बता दूं, कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या, कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये बंध वगैरह आज तक समझ में नहीं आए होंगे कि कौन सा बंध स्ट्रांग है, कौन सा मुश्किल है, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। रात को साउंड ज्यादा क्यों आती है बताओ, कौन सी साउंड आ गई रात को ज्यादा बताओ, हमको तो वही नॉर्मल आती है, बस कारण यह है कि रात को साउंड आने ज़्यादा आने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे मान लो व्हीकल बहुत ज़्यादा चलते हैं दिन में, पहली बात तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास में रोड पे इतनी सारी चीज़ है कि जो साउंड होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे मान लो आपने कपड़े पहन रखे, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो साउंड प्रोड्यूस हुआ तो मेरे कपड़े द्वारा कुछ क्या हो गया, एब्जॉर्व हो गया। लेकिन रात के समय दोस्तों कोई गली वगैरह में कोई रहता नहीं है, तो कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ज़्यादा साउंड आएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं होगा, सीधा आपके आप तक आएगा, ठीक है। और दोस्तों डेली 1 PM पे इस क्लास को मिस ना करें, यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लास में आ जाना, सब समझ में आ जाएगा क्या क्लास कैसे होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लो, इसके स्पेशल क्लास में आ जाओ, मेरा नाम सर्च कर लेना नीरज जांगिड, मुझे फॉलो कर लेना, स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा, है ना। और आप लोगों को दोस्तों कोड पूछा जाए, अगर नए स्टूडेंट जो होते हैं उनसे कोड पूछता जाता है, तो नीरज 11 कोड लगा के अनलॉक कर दो, आ जाएगा, ऑसम यू हैव अनलॉक डे और फ्री प्लान। और दोस्तों अगर आप लोगों को सही में डिटेल में पूरी साइंस पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे भी करवा रहा हूँ, SSC में आप लोगों को मेरा कंप्लीट साइंस का कोर्स मिल जाएगा, मेरे अलावा आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो 12 महीने का 6500 रेफरल कोड लगाओ नीरज 11, तो पड़ जाएगा 5,850 रुपये का। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इस क्लास की PDF आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। चले क्या, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे क्लास में YouTube पर, देन 1 बजे अनअकैडमी पर, और फिर 4 बजे वापस YouTube पे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।